नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो क्वेश्चन आंसर्स की लेकर आया हूं, जिसमें मैं अपने फैंस का, अपने यूट्यूब के दर्शकों का, अपने स्टूडेंट्स का और ज्योतिष के जिज्ञासु विद्यार्थियों के क्वेश्चन आंसर्स देता हूं, उनके डाउट्स क्लियर करता हूं। लेकिन अगर किसी को कुंडली दिखानी हो तो वो मेरे फ़ोन नंबर 9711079544 पर व्हाट्सएप करके या कांटेक्ट करके बैंक में फीस जमा कराकर कुंडली का विश्लेषण एनालिसिस करवा सकता है। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है किशन गौर जी का, उन्होंने लिखा है कुंभ लगन सेकंड हाउस में उच्च का शुक्र है और सेकंड लॉर्ड गुरु एट्थ हाउस में वक्री होकर बैठा है और डाइवोर्स होने वाला है, वाइफ को पैसा चाहिए। सर, एट्थ हाउस में गुरु अन अर्न मनी देता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, अन अर्न मनी, बिना मेहनत का धन प्राप्त होता है, तो यानी कि आपकी वाइफ को धन प्राप्ति होगी। उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, गुरु बैठा है, मे बी हस्बैंड से हो सकता है, पति, उसके अलावा एट्थ हाउस में अगर बुध गुरु या शुक्र बैठे हों, शुभ ग्रह नैसर्गिक बैठे हों तो भी होता है, और कई तरीके से धन प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजाता बरल जी का, वृश्चिक लगन में सेकंड में राहु है, फिफ्थ में गुरु है और नवाश कुंडली में धनु लगन में फोर्थ में केतु व टेंथ हाउस में गुरु राहु युति है, क्या ये चंडाल योग है? नहीं, चंडाल योग सिर्फ जन्म कुंडली में गुरु और राहु दोनों की युति एक साथ होगी तो उसे हम चंडाल योग कहेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला जी, गुरु जी, किसी भाव को स्ट्रांग बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? इसके लिए पूरी कुंडली की विवेचना करनी होती है, कौन से ग्रह को स्ट्रांग करना और कौन सा ग्रह स्ट्रांग नहीं करना, इसके लिए भाव नहीं, सिर्फ ग्रह को देखा जाता है और वो लगन कुंडली देखकर, नवांश कुंडली देख के और बहुत सारी चीज़ें, अष्टक वर्ग के बिंदु हैं, महादशा अंतर्दशा, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद उसको आंसर दिया जा सकता है। भाव को बलि बनाने से पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ग्रह को। चंद्रकांत खत्री जी, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, कृपया दोबारा भेजिए क्लियर। सम्राट आचार्य जी, मेष लगन में शुक्र सेवंथ हाउस में क्या फल देगा? मेष लगन में शुक्र सेवंथ हाउस में अपनी स्वराशि का है, यानी कि मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। ये पंच महापुरुष योग, मल्लव्य योग है, ये अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत शुभ फल देगा। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, पत्नी सुंदर होती है, महादशा अंतर्दशा में आपको विलासिता पूर्वक सभी चीज़ें मिलेंगी, वाहन का सुख मिलेगा, बहुत शुभ फलदायक है ये। रौनक सिंह जी, धनु लगन में मंगल ट्वेल्थ हाउस में अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में 5 degree 15 minutes का है और उस पर राहु की पांचवीं दृष्टि है, तो मंगल की दशा कैसी होगी? धनु लगन में मंगल फिफ्थ लॉर्ड है, त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं और ये मंगल अपनी स्वराशि में बैठ के विपरीत राजयोग भी बना रहा है,
मंगल की महादशा या अंतरदशा आपको बहुत शुभ फल देगी। इसी के बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, और जैसे अगर कोई मंत्र जाप करे ग्रहों के तो उनकी पावर इंक्रीज हो जाती है, तो एनालिसिस करने वाले यानी कि जोशी को कैसे पता चलेगा? उसे तो आप ही बताओगे कि मुझे शुभ फल मिलने शुरू हो गए हैं, आप ही बताओगे। किशन गौड़ जी का एक क्वेश्चन और है, सर अगर कुंडली में कोई ग्रह 1 डिग्री का हो और लगन भी 1 डिग्री का हो तो ग्रह बली होता है, ये सही है या गलत है? लगन की जो डिग्री है वो भाव मध्य होती है, और लगन की डिग्री के 3 डिग्री 20 मिनट पहले या 3 डिग्री 20 मिनट बाद तक जो भी ग्रह कुंडली में बैठे होते हैं वो सभी बली हो जाते हैं, लेकिन वे अवस्था के अनुसार 1 डिग्री का लगन भी कमज़ोर है, ग्रह भी कमज़ोर है। लगन कमज़ोर है तो यानी कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी नहीं है, डिसीजन पावर ख़त्म हो जाती है, शरीर रोगी रहता है। लेकिन वो पर्टिकुलर ग्रह जो आपने लिखा नहीं है, वो पर्टिकुलर ग्रह जो 1 डिग्री पे है उसमें फल देने की क्षमता अधिक होती है। लगन कमज़ोर है लेकिन उस पर्टिकुलर ग्रह में को बल प्राप्त हो जाता है, वो ग्रह बली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित सोनी जी, सर जी बहुत अच्छा वीडियो आपने बनाया है, आपके वीडियो का इंतज़ार रहता है, थैंक यू वेरी मच। आज मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा जो मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स तो हैं ही, 10,000 स्टूडेंट्स को मैं टीचिंग कर चुका हूँ 24 साल से, लेकिन YouTube वीडियो पे भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उन सब का मैं आपको नाम भी लूँगा। सुमित सोनी जी ने लिखा है, सर जी मीन लगन की कुंडली में मंगल 3rd हाउस में है तो क्या मंगल का रतन पहन सकते हैं? बिल्कुल 100% पहन सकते हैं, मंगल का रतन पहनने से धन की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, भाग्य बहुत अच्छा होगा, परिवार कुटुंब में आपको सबका सहयोग भी बहुत मिलेगा। अब मैं आपको पहले नाम बताता हूँ फिर क्वेश्चन लेता हूँ। कुछ नाम से हैं जिनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, एना मारिया, एस्ट्रोलॉजर पंकज श्रीवास्तव जी, किशन कुमार झा जी, सोहम वशिष्ठ, उमेश सिंह जी, दिनेश अग्रवाल जी, सौमिक बाबू, अच्छुता पाणीग्रही, अभिषेक माणी, गीता सिंह जी, अनिल जी, देवेंद्र प्रसाद मैथानी जी, महेश शर्मा जी, सुमित सोनू जी, समीर श्रीवास्तव जी, कौशल त्रिपाठी जी, जोगेंद्र नाथ दास जी, परमानंद शर्मा जी, मोहित जी, हरेश सोलंकी जी, विपिन एम शर्मा, सुजाता बैरल, आगे बहुत नाम है जिनका नाम मैं नहीं ले सका, मैं उन सबको भी धन्यवाद करता हूँ जो मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चैतन्य जोशी जी का, गुरुजी अगर वृश्चिक लगन की कुंडली में लग्नेश मंगल भाग्य भाव में बैठा हो और मृत अवस्था का हो और भाग्येश चंद्रमा उच्च का होकर सप्तम भाव में बैठा हो, केतु 6ठे भाव में हो तो किसको बलि करना चाहिए? इसमें सबसे पहले देखिए लग्नेश मंगल 9th हाउस में बैठ के वो नीच राशि में बैठा हुआ, लेकिन उसका डिस्पोजिटर चंद्रमा अपने उच्च राशि में बैठा है तो वो नीच भंग हो गया। आप मंगल और चंद्रमा दोनों को बलि कीजिए, आपका भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु
अमिता जी, गुरु जी कुंभ लगन में शनि 12वें भाव में वक्री हो तो क्या उसका रतन पहना जा सकता है? यस, पहना जा सकता है। ये विपरीत राजयोग भी है, आपको धन की पोजीशन बहुत अच्छी कर देगा, शरीर आपका ठीक रखेगा, रोग से, बीमारी से, दवाइयों से, हॉस्पिटल से, सबसे बचा के रखेगा, इसलिए आप पहन सकते हो रतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित कुमार शर्मा जी, गुरु जी नीच का ग्रह क्या प्रभाव देता है कुंडली में? नीच के ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं, अपने से ग्रह से रिलेटेड और जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से संबंधित आपको अशुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन अगर नीच ग्रह का नीच भंग हो जाता है तो वो बहुत शुभ फल देता है। नीच के ग्रह अगर नीच भंग हो जाए तो वो उच्च के ग्रह के समान फल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव जी का, तुला लग्न में क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तुला लग्न में उच्च के गुरु की सिक्स हाउस पर अपने खुद की राशि पे दृष्टि प्रभाव होगा तो क्या होगा? एक बेसिक फार्मूला आपको बता देते हैं, जिस भाव के स्वामी का प्रभाव भाव पर पड़ता है, चाहे वो उसमें अपनी राशि में बैठे हो या उन पर उस ग्रह की दृष्टि हो, तो वो भाव बली हो जाते हैं। अब आपने कहा तुला लग्न में उच्च के गुरु की सिक्स हाउस में अपने खुद की राशि पे दृष्टि बहुत अच्छा प्रभाव देगा, इससे छठे भाव के जितने भी कारक तत्व हैं उन सभी में वृद्धि हो जाएगी। मामा मौसी से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा, कंपटीशन में सक्सेसफुल हो जाओगे, कोर्ट कचहरी में भी विजय प्राप्त होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष निनानिया जी, सर अगर शनि अस्त हो 8th हाउस में स्वराशि का तो ये शनि स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? मैंने अभी आंसर दिया थोड़ी देर पहले किसी को कि जो भी ग्रह अपनी स्वराशि में हो या उस भाव पर उस ग्रह उस भाव के स्वामी का दृष्टि संबंध हो तो वो भाव बलि हो जाता है। शनि 8th हाउस में चाहे वो अस्त भी है उसके बावजूद अपनी स्वराशि का है, ये शनि स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। लक्ष्मी पी जी, प्रणाम गुरु जी, मेरे ब्रदर की वृश्चिक लगन है और कर्क राशि है, उसके 9th हाउस में चंद्रमा और केतु की युति है, कुछ उपाय बताएं, बहुत परेशान है वो। लक्ष्मी जी आप अपने ब्रदर को मोती पहनाइए, चंद्रमा का पर्ल ओरिजिनल साउथ सी का ऑस्ट्रेलिया का पहना दीजिए और शिवलिंग पर हर मंडे दूध और पानी शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं और डेली एक माला चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमो शिवाय मंत्र की एक माला जाप डेली करें। नमस्कार।